आज के इस वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है अरिहंत की आती है PGT मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर लिखा है सेल्फ प्रिपरेशन गाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। जो PGT मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होती है उसके करस्पॉन्डिंग ये बुक मैंने देखा था। सो मुझे इसका रिव्यू करना था, इसके कंटेंट देखने थे कैसे क्या है, उसके लिए मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो इसे मैंने अनबॉक्सिंग तो नहीं किया, मैंने फटाफट से खोल के पहले देख लिया ना, ताकि मैं अच्छे से आपको एकदम से बता पाऊँ इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। सो मैंने इसको पूरी तरीके से देख लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपको कितने की पड़ी और मुझे कितने का पड़ा। अगर आप अच्छी लगे तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे दूँगा, बाय कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा द ओनली बुक कवरिंग 100% सिलेबस, क्या ये ट्रू है या नहीं ये भी मैं आपको एंड में बता दूँगा। और फिर यहाँ पर लिखा है, देखिए पेपर यहाँ पर लिखा होगा, चैप्टर वाइज थ्योरी एंड प्रैक्टिस और लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स, और फिर लिखा है मोर देन 2500 MCQs एंड 3 प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसे आपको कैसे प्रिपरेशन में लेनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इसकी प्राइसिंग अगर बात की जाए तो ये 355 रुपये की आती है, ठीक है। सो 355 रुपये की बुक है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। सो देखिए इसमें सॉल्ट पेपर 2017 का दे रखा है, ठीक है। और कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आपको मिलेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर कंटेंट्स क्या होंगे। सो देखो आपको इसमें सेट्स मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शंस मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फिर लीनियर इक्वलिटीज़ हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में है, ऐसे कुल मिलाकर 24 है, एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैटिक्स हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये PGT के कंटेंट जो भी होते हैं लगभग ऑलमोस्ट तो कवर कर ही रखा है, ठीक है। और अगर आप 2-4 पेपर इन्होंने सॉल्व करके भी दे रखा है डिटेल में। अब मैं थोड़ा कंटेंट आपको दिखा देता हूँ ऊपर से, जैसे ये चैप्टर हमारा आ रहा है टू रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इस सबसे पहले हर चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उस पर एक एग्जांपल दे दिया, हर टॉपिक को उन्होंने बताया है, बेसिक चीज़ों को बताया है, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर है तो उन्होंने बेसिक्स को बताया और उस पर एग्जांपल्स, और जब टॉपिक इनके कम्प्लीट हो जा रहे हैं जैसे, फिर उन्होंने चैप्टर प्रैक्टिस दिया है आई थिंक। लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन का जो लेवल है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पढ़ा इसको, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो है मेरे, इसका लेवल थोड़ा सा और हाई करना चाहिए था तब ये बुक और परफेक्ट बन जाती, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, ये आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और मज़े की बात है कि हर क्वेश्चंस का पीछे सॉल्यूशन में दे रखा है हिंट के साथ, किसी क्वेश्चन में हिंट दे दिया तो किसी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, सो आप इसे आराम से कर पाएंगे। तो हर टॉपिक को उन्होंने अच्छे से कवर किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू फॉर मनी है, इसे आपको बिना सोचे समझे आप ले लेना चाहिए, ठीक है। बेस्ट रहेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का आइडिया लग जाएगा, सो बहुत अच्छा रहेगा ये बुक। और प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इस बुक को आपको पहले नहीं पकड़ना है, सबसे पहले आपकी जो BSc होती है क्लास 11 12th की NCERT करनी है पहले आपको, फिर RD शर्मा हो सके तो देखना, मैं तो कहूँगा मत देखो, NCERT कर लो, ठीक है। उसके बाद BSc की जितने भी आपके सिलेबस में दें, चाहे वो कोई भी हो, कैलकुलस हो, कुछ भी हो, डिफरेंशियल हो, एनीथिंग, उसको पढ़ो, उसको ढंग से करो, उसके बाद ये बुक उठाओ, ठीक है। होल प्रिपरेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तब जाके ये बुक आपके लिए वर्थ करेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बुक में सारा सब कुछ दे दिया है तो इतना तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बुक में सारा कुछ कवर हो जाए। तो वैल्यू फॉर मनी ये बिल्कुल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और अच्छा रहेगा बुक, ठीक है। अरिहंत की आती है, इनके और भी अवेलेबल जो अवेलेबल सब्जेक्ट हैं, ये देखिए इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है,
बट बुक तो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि सर पीजीटी की एक अलग से सेपरेट क्लास स्टार्ट करो, तो मैं कर दूंगा, और इनके सोल्यूशन भी अगर बताने हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहें तो। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।